कामन रूट पर दुकानों और दुकानदार का नाम बताने वाला उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार का फैसला इस समय काफी चर्चा में बना हुआ है। इसको लेकर योगी सरकार विपक्षी दलों के सवालों से घिर गई है, जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच एएनआई की टीम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंची और वहां पहुंचे कांवड़ियों से जानने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर उनका क्या मानना है, क्या वो इसके समर्थन में हैं या फिर इसके खिलाफ। आइए जानते हैं। ये हमारा 17 दिन का सफर है और झूला कांवड़ हम साथ में लेके आए, मेरे साथ मेरा एक भोला भी है। और मुजफ्फरनगर में आप पहुंचे हैं, भगवान शिव की भक्ति अभी आप परिक्रमा भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर एक आदेश भी आया है दुकानों पर नाम लिखने का, क्या कहेंगे उसको लेकर? भोले पहले ये चीजें होती थी कि हम कहीं भी भोजन कर लेते थे, भोला बड़ा भोला होता है, सबके सब पे विश्वास करता है। अब जाके योगी जी का जो ये फैसला आया, इससे लोगों को सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ ये दुकान उसकी है, ये इसकी है। अब इसमें भोले की मर्जी है, वो किसकी दुकान पे जाके खाएगा, किसकी पे नहीं खाएगा। देखो वो आदेश ठीक है, मैं उसको ठीक मानता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी धर्म गंदा नहीं है, हर एक धर्म में सही है, अपनी जगह सही है, पर उस हर एक धर्म में गंदे इंसान होते हैं और वो अपनी तरफ से धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन गंदे इंसानों से बचाने के लिए यह आदेश मेरे लिए सही है, हमारे लिए सही है भाई। देखो यूपी के लेवल की बात करें और हरिद्वार के लेवल की बात करें तो हरिद्वार से ज्यादा बेटर यूपी है। यूपी के यहाँ खाना अच्छा भी मिलता है और सस्ता भी मिलता है और सुविधाएं भी बहुत सारी है, जैसे शिविर की होगी, पंडाल की होगी, और भी बहुत सारी सुविधा है। जैसे कि हम यूपी के गांवों से जाते हैं निकल के तो भोले पानी भी पिला देते हैं और बैठने उठने की व्यवस्था भी करा देते हैं, जो हरिद्वार में कम देखने को मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, हालांकि कांवड़िए कलश में गंगा जल लिए निकल पड़े हैं भोले को स्नान कराने। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए खान पान के मामले में काफी परहेज करते हैं, इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने ये कदम उठाया है। पहले कुछ ही जिलों के लिए इस तरह के फैसले लिए गए थे, अब ये आदेश पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर हलचल मची हुई। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।